नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की तर्ज पर बनेगा पटना कोलकाता एक्सप्रेस वे। स्पाइस जेट विमान के प्रेशराइज सिस्टम फेल होने के बाद पटना में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। शराबबंदी को सख्ती से लागू कराएंगे IAS अधिकारी KK पाठक। नए साल से स्ट्रीट लाइटों से जगमगाएंगे पंचायतों की वॉल। कंगना रनौत पर सहरसा कोर्ट में दर्ज हुआ मामला। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की तर्ज पर बनेगा पटना कोलकाता एक्सप्रेस वे। पटना से कोलकाता तक का सफर जल्द ही बाय रोड एक्सप्रेस वे के जरिए हो सकेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की तर्ज पर अब बिहार का पहला एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। इस बात की जानकारी पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दी है। उन्होंने बताया कि भारतमाला फेज 2 में बिहार की जिन सड़कों को शामिल किया गया है उनमें एक्सप्रेस वे भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों में नए नवेले उद्घाटन हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की तर्ज पर ही इसका निर्माण होगा। इसके निर्माण के संबंध में बताते हुए मंत्री ने कहा कि भारत माला फेज 1 के तहत बन रहे पटना में रिंग रोड का काम पूरा होने के बाद फेज 2 में बिहार की पहली एक्सप्रेस वे का निर्माण शुरू होगा। पटना कोलकाता बिहार की पहली सड़क होगी जिसमें बीच में कोई गाड़ी नहीं दिखेगी। यह रोड बख्तियारपुर फोर लेन होते हुए रजौली से निकलेगी। इस दौरान मंत्री ने यह भी दावा किया कि राज्य के हर गांव से 40 किलोमीटर की दूरी पर फोर लेन सड़क को जोड़ने का काम चल रहा है। NIT पटना में जनवरी से शुरू होंगे ऑफलाइन पढ़ाई। कोरोना के मामलों की संख्या कम होने और अधिकांश लोगों के वैक्सीनेटेड होने के बाद अब लगभग सभी संस्थाओं में ऑफलाइन क्लासेस शुरू की जा रही है। इस बीच NIT पटना में भी इस सत्र से एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। सत्र 2021-22 के लिए पटना NIT और IIIT दोनों ही संस्थाओं में सीटें पूरी तरह से फुल हो चुकी हैं, जिसके बाद अब यहां भी क्लास शुरू करने पर विचार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक NIT में नए सेशन के क्लासेस जनवरी में शुरू होने की उम्मीद है। इस बारे में NIT के असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने कहा कि NIT पटना में BTEC स्टूडेंट्स की ऑफलाइन पढ़ाई जनवरी में शुरू होगी, तो वहीं नए सत्र 2021-22 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी जनवरी में ही बुलाया जाएगा। एडमिशन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद NIT प्रशासन स्टूडेंट्स का लिस्ट तैयार करेगा। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आज से लिए जा रहे हैं स्पॉट एडमिशन। राजधानी पटना में स्थित पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने वोकेशनल कोर्स में आज से स्पॉट एडमिशन लेना शुरू कर दिया है। इसके तहत इंटर के बाद वोकेशनल कोर्स में ग्रेजुएशन करने को इच्छुक छात्र छात्रा आज से स्पॉट एडमिशन के लिए ऑफर लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके तहत वैसे स्टूडेंट जो भी शामिल हो सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन करवाने से चूक गए हैं, यह 25 नवंबर तक चलेगा। बताते चले कि PPU स्पॉट एडमिशन के लिए सीक्रेट कोड जारी करेगा। स्पॉट एडमिशन में लॉगिन आईडी और पासवर्ड से सबसे पहले ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करना होगा, जो कि दो भागों में होगा। ऊपर वाला भाग स्टूडेंट्स के लिए होगा तथा दूसरा भाग छात्र जिस कॉलेज में स्पॉट एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज के लिए रहेगा। बिहार में मिले केवल एक नए कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर सिर्फ एक नए मरीज की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान एक मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 26 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो पटना से ही एक मरीज की पुष्टि हुई है। तो वही बात रिकवरी रेट की करें तो राज्य में लोगों के ठीक होने की दर 98.66% है। पटना म्यूजियम को बिहार म्यूजियम से जोड़ने वाले सुरंग को लेकर निर्देश जारी। राजधानी पटना में स्थित दो बड़े संग्रहालयों को आपस में जोड़ने के लिए अंडरग्राउंड सुरंग को बनाया जा रहा है और इस योजना को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने तेजी से इसका निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश बीते दिन अधिकारियों को दिया। बताते चले कि इस अंडरग्राउंड टनल योजना को लेकर बीते दिन CM ने पटना म्यूजियम पहुंचकर और वहां चलाए जा रहे अपग्रेडेशन और एक्सटेंशन कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पटना म्यूजियम के ग्राउंड प्लान, पटना म्यूजियम सबवे लेबल प्लान और पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम की अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी को लेकर प्रस्तावित सबवे की भी जानकारी दी। वहीं CM ने लोगों के आगमन को लेकर यहां पार्किंग की समुचित व्यवस्था करने का भी आदेश दिया, ताकि यहां आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। स्पाइसजेट विमान के प्रेशराइज सिस्टम फेल होने के बाद पटना में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। हवाई सफर यूं तो सबसे आसान सफर माना जाता है, मगर कभी कभार विमान में तकनीकी खराबी अगर उड़ान के दौरान ही आ जाए तो यात्रीगण की सांसें भी वहीं अटक जाती है। ऐसा ही वाकया अहमदाबाद से पटना आ रही स्पाइसजेट की फ्लाइट SJ392 में हुआ, जो कि पटना में लैंडिंग होने से 12 मिनट पहले ही तकनीकी खराब की शिकार हो गई। दरअसल विमान का प्रेशराइज सिस्टम ही फेल हो गया, जिस वक्त विमान 30,000 फीट की ऊंचाई पर यूपी बिहार सीमा से गुजर रही थी। इससे उसमें सवार यात्रियों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और यात्री भी पूरी तरह सहम गए। लेकिन विमान में पहले से सभी सीटों पर लगे ऑक्सीजन मास्क ने लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं होने दी, जिसके बाद पायलट ने सुरक्षा के साथ पटना एयरपोर्ट पर ही विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई और सभी 172 यात्री सही सलामत विमान से उतर पाए।
शराबबंदी को सख्ती से लागू कराएंगे आईएएस अधिकारी के पाठक। बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार की लगातार किरकिरी होने के बाद अब सीएम खुद एक्शन मोड में है और अधिकारियों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। इस बीच अब तेज तर्रार और कड़क मिजाज वाले आईएएस अधिकारी के पाठक को सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का नया अपर मुख्य सचिव बताया गया है। बताते चले कि के पाठक 1990 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। वह केंद्र प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे। इसके पहले भी के पाठक मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की कमान संभालते हुए अपने कार्यकाल में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराया था और संलिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर चर्चा में भी आए थे। कंगना रनौत पर सहरसा कोर्ट में दर्ज हुआ मामला। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर दिए गए अपने बयानों से बुरी तरह फंस गई हैं। एक तरफ उनकी हर ओर से आलोचना हो रही है तो दूसरी तरफ बिहार के सहरसा कोर्ट में उन पर केस दर्ज करवाया गया है। इस मामले को लेकर पूर्व विधायक किशोर कुमार ने सहरसा व्यवहार न्यायालय में नालिसी वाद दर्ज कराया है। पूर्व विधायक ने बताया कि इस देश को महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अशफाकुल्ला खां, वीर सावरकर सहित अन्य ने देश को आजादी दिलाई। देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो वहीं इस मामले में बीते दिन वे सीजीएम के न्यायालय भी पहुंचे, जहां घंटों बहस के बाद अब इसकी सुनवाई 22 नवंबर को होगी। नए साल से स्ट्रीट लाइटों से जगमगाएंगे पंचायतों की वार्ड। आने वाले नए साल के पहले महीने से राज्य के सभी पंचायतों के वार्ड स्ट्रीट लाइट से जगमगाएंगे और रातों में गली से गुजरने वाले लोगों को परेशानी नहीं होगी। इसके तहत हर वार्ड में 10 लाइट लगाने की योजना है, जिसके तहत 1,500,000 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया जारी है। इस बारे में बीते दिन मीडिया को पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि बिजली विभाग की निगरानी में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम होगा। इसके तहत एजेंसी को 5 साल तक मेंटेनेंस करना होगा। एजेंसी को लाइट लगाने के बाद 70% भुगतान किया जाएगा। हर लाइट का बीमा किया जाएगा और आरएमएस के माध्यम से कहीं से भी मॉनिटरिंग की जा सकेगी। आरएमएस से पता चल जाएगा कि कहीं लाइट जल रही है या फिर नहीं। बताते चले कि ये लाइटें सोलर स्ट्रीट लाइट होंगी। आप सिर्फ 70 रुपए में बना सकेंगे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। अब जीवन प्रमाण पत्र बनवाना और भी आसान हो गया है, क्योंकि डाक विभाग ने घर जाकर डिजिटल प्रमाण देने की व्यवस्था की शुरुआत कर दी है। विभाग 70 रुपए में घर घर जाकर बुजुर्गों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र दे देगा। डाक विभाग ने नोटिस जारी कर असमर्थ, लाचार और दिव्यांग पेंशनधारियों को घर जाकर जीवन प्रमाण देने की सुविधा शुरू कर दी। इसके तहत मोबाइल नंबर 9341506321 पर कॉल करके घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण बनवा सकते हैं। शुरुआत में कुछ डाकियों को यह काम दिया गया है। सफल रहने के बाद सभी जगह घर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण बनाने का काम होगा। इसके साथ ही सभी प्रधान डाकघरों में व्हील चेयर की व्यवस्था भी कर दी गई है। बिहार स्कॉच अवार्ड मिलने पर ललन सिंह ने याद दिलाए पुराने दिन। बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों के निर्माण क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने पर स्कॉच संस्थान की तरफ से पुरस्कृत किया गया है। इसके तहत मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया है। ग्रामीण विकास विभाग को इस अवार्ड को लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने खुशी जताई है और पुराने दिनों की तुलना करके सीएम नीतीश की तारीफ की तो वहीं लालू प्रसाद पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अब बिहार के किसी कोने से पटना तक का सफर आरामदायक व न्यूनतम समय का हो चुका है। नीतीश कुमार की सरकार में हर घर गली से पटना तक सड़कों का जाल बिछाने के लिए अवार्ड मिल रहा है, जबकि एक वो भी दौर था जब सड़कें सिर्फ पटना में दिखती थी। बिहार के सीमावर्ती इलाकों यदि पटना पहुंचना हो तो मन मस्तिष्क कांप जाता था। दिन भर में यात्रा पूर्ण करना असंभव था। मेडिकल चेकअप के लिए सीएम के दिल्ली जाने की बात पर चिराग पासवान ने कसा तंज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से देर रात दिल्ली यात्रा पर रवाना हुए, जहां वे अपना रूटीन मेडिकल चेकअप करवाएंगे। इस बात को मुद्दा बनाकर एक बार फिर से वे विपक्ष की नजरों में आ गए हैं। दिल्ली में चेकअप करवाने की बात को लेकर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य लाभ के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली यात्रा पर गए हैं, इसके लिए उन्हें शुभकामनाएं, लेकिन उनकी तरह दिल्ली न जाने पाने वाले बिहारियों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दे। साथ ही उन्होंने तंज कसा कि बिहार में अगर बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था होती तो वे दिल्ली नहीं जाते। अश्विनी चौबे ने कंगना को एक एक कर गिनवाए वीर शहीदों के नाम। अपने अजीबोगरीब बयानों से चर्चा में बनी रहने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले वीर शहीदों पर बेतुके बयान दे रही है। कंगना के इस बयान को लेकर उनकी काफी आलोचना हो रही है। इस बाबत बीते दिन बीजेपी मंत्री अश्विनी चौबे ने कंगना के बयान की जमकर आलोचना की और उन्हें एक एक कर के वीर शहीदों के नाम याद दिलाए।
मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि गांधी जी के नेतृत्व में ही आजादी मिली है। महात्मा गांधी, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह समेत हजारों लाखों की शहादत और बलिदान के कारण ही हमें आजादी मिली है, इसलिए हम उन्हें नमन करते हैं। इस दौरान उन्होंने वीर कुंवर सिंह और मंगल पांडे को भी याद किया। बताते चले कि केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता राज्य मंत्री ने बीते दिन सोनपुर में PMGKY के तहत मुफ्त राशन वितरण के लिए पहुंचे थे। इस दौरान ही मीडिया से उन्होंने ये बातें कही। पंचायत चुनाव में भोजपुरी अभिनेत्री का नहीं चल सका जलवा। बिहार में पंचायत चुनाव जारी है और इस दौरान मतदान के साथ ही मतों की गिनती भी हो रही है। ऐसे में कई उम्मीदवार जीत रहे तो वहीं कई उम्मीदवारों ने जीत का स्वाद चखा। तो बता दें कि सातवें चरण की मतगणना में कई राजनीति के धुरंधरों को हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें राजनीतिक हस्तियों के साथ ही भोजपुरी के सिने स्टार भी चुनाव मैदान में थी। शिवहर जिले के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 में भोजपुरी की सिने स्टार डॉक्टर अर्चना सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। बता दें कि अर्चना सिंह चुनाव परिणाम में तीसरे स्थान पर रही है। इस निर्वाचन क्षेत्र से पार्वती देवी 834 मतों से जीतने में कामयाब रही। पार्वती देवी को सर्वाधिक 5,940 मत प्राप्त हुआ तो वहीं भोजपुरी सिने स्टार डॉक्टर रचना सिंह को मात्र 4,013 मत प्राप्त हुआ है। जीत के बाद रोहित शर्मा ने दी बड़ी प्रतिक्रिया। बीते दिन रोहित शर्मा की कप्तानी और राहुल द्रविड़ की कोचिंग में टीम इंडिया ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। UAE में खेले गए ICC T20 विश्व कप के खत्म होने के बाद 2 दिन बाद ही भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही। इसके बाद दोनों देशों के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी। तो वहीं जीत के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में रोहित शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उसे देते हुए कहा कि अंत में हमने देखा कि यह आसान नहीं था, खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सीख थी क्योंकि उन लोगों ने भारत के लिए उस स्थिति में पहले बल्लेबाजी नहीं की थी। उनके लिए यह समझना बहुत अच्छा था कि क्या किया जाना चाहिए। यह हर समय पावर हिटिंग के बारे में नहीं है और आप कोशिश करते हैं कि गेंद को फील्डर के बाईं या दाईं ओर रखते हैं, सिंगल या बाउंड्री जड़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आपके क्षेत्र में अब तक पंचायत चुनाव हो गए हैं या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।